हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और यहाँ पे जो है मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ। ये सब उसी की तैयारी है, क्योंकि ठंडियों के समय में जो है ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो खाने की मन करती हैं। और अभी जो है समय शाम का समय हो चुका है, और शाम के नाश्ते के लिए मैं यहाँ चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सब्जियों को कटिंग कर दिया है, और जो है यहाँ पे मैं चाउमीन को थोड़ा सा उबाल ले रही हूँ। सब्जियों में मैंने यहाँ पे गाजर और छोटे छोटे बीन्स को काट लिया है, प्याज को कट कर लिया है। मेरे पास ये सारी सब्जियाँ अवेलेबल थी तो मैंने इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने सोचा उसे स्किप कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, और जो है यहाँ पे बीन्स को और सारी सब्जियों को मैं थोड़ा बहुत फ्राई कर लूँगी। पूरी अच्छी तरह से इन्हें गलाऊँगी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था, आज हमें कहीं जाना है, एक गुड न्यूज़ है, तो उसे मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और सभी सब्जियों को फ्राई कर लिया है मैंने, और इधर मैंने चाउमीन के पानी को भी अलग कर दिया है, उसे छान कर निकाल दिया है। और इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च को ऐड कर रही हूँ। ये मिर्च जो है तीखी वाली नहीं है। आप सभी सोचते होंगे ये बहुत ज़्यादा मिर्च यूज़ करती है, लेकिन ये मिर्च जो है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके बाद मैंने यहाँ प्याज को भी ऐड कर दिया है। प्याज को मैंने लास्ट में ऐड किया है ताकि ये गले नहीं। और अब मैं इसे थोड़ा सा बस फ्राई कर लूँगी। शाम के नाश्ते के बाद मैं जो है हमें कहीं जाना है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, तो उसकी भी तैयारी यानी कि मैं डिनर की भी तैयारी अभी ही कर लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं चाउमीन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है सब्जियों में, ये देखिए। और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें, और चाउमीन के साथ थोड़ा सा और इसे फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। तो इसका जब जो पानी था वो सूख चुका है और ये फ्राई हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल दिख रहा है। आप चाहे तो शिमला मिर्च वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने टोमेटो केचप यानी जो टोमेटो सॉस है उसे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने विनेगर, सोया सॉस, ये सारी जो है चिली सॉस, ये सब ऐड कर दिया है। इसमें मैंने ऐड किया है ओरिगैनो, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें हक्का नूडल्स का जो मसाला आता है रेडिमेंट्स चिंग चाइनीज़ का, उसे आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ जो है मैं यहाँ सोया बड़ी जो है उसे डालना भूल गई थी, तो उसे मैं अलग से उबाल कर उसे निचोड़ लिया है, और थोड़ा सा तेल चिली फ्लेक्स के साथ उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद चाउमीन में ऐड कर दूँगी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसे मैं भून लूँगी। तो हमारा चाउमीन तैयार हो गया है, और अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर में मैंने यहाँ पे गोभी को कद्दूकस कर लिया है, और आज मैं जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने। इसके लिए मैंने देखिए 2 गोभी लिए हैं छोटे छोटे, और उन्हें कद्दूकस कर लिया है मैंने तो चाकू से किए हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में, उसमें जीरा डाला है, और जब जीरा चटक गई है तो मैंने 2 सूखी मिर्च, तेज़पत्ता डालकर उसे फ्राई कर लिया है। फिर इसमें अनियन को ऐड कर दिया है, और अब मैं 1 टमाटर लिया है मैंने और छोटे छोटे पीस में उसे कट कर दिया है। जब प्याज भुन जाएगी तब मैं उसे भी ऐड कर दूँगी। यहाँ जो है मैं गार्लिक और जिंजर, मैंने छोटा सा जिंजर का टुकड़ा लिया है, और इन सबको मैं बस इसे कूट लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसे दरदरा ही मैंने इसे कूटा है, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और सबको मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। और अब मैं इसमें टमाटर को ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं यहाँ पे हरी मिर्च को भी मैंने अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सबको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी सभी मसालों को मिक्स करके। और अब मैंने इसमें ग्रेट किए हुए गोभी को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आप इसमें थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि ये जो गोभी है ये थोड़ा सा गलेगा और गलने के बाद इसमें नमक जो है ज़्यादा हो सकता है इसलिए। तो ये देखिए, अब जो है मेरे गोभी के जो मैंने फिलिंग तैयार किया था, जो स्टफिंग, वो तैयार हो चुकी है और अब मेरे पराठे भी बन चुके हैं। तो अब बारी है उस खुशखबरी की। तो जी हाँ, हम लोगों ने एक प्लॉट लिया है। हम मेरे जो हस्बैंड है वो तीन भाई है और हम तीनों ने यहाँ पे एक प्लॉट लिया है और उसी प्लॉट में ये सारी जो सब्जियाँ वगैरह, बहुत सारी तरह तरह की सब्जियों की खेती इन लोगों ने की थी। तो यहाँ के जो जो जिन लोगों की ये ज़मीन थी, जिन लोगों से हम लोगों ने ख़रीदा है, उन लोगों ने यहाँ सब्जी की खेती की थी और हम लोगों ने ये जो ज़मीन ख़रीदा है, यहाँ पे हमें नया घर बनाना है। और जिस घर में मैं रहती हूँ वो तो हम लोगों का अपना घर है ही, लेकिन उस घर को मेरे पापा जी ने, यानी मेरे ससुर जी ने बनाया है। और इसी घर के बगल में जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों के साथ मैंने शायद शेयर किया था, हम लोगों ने एक पुराना बना बनाया घर भी था, उसे भी ख़रीदा है। और ये जो है इस प्लॉट में हम लोग अपने से, यानी कि जो तीनों भाई हैं वो खुद का अपना घर बनाएंगे और हम सब यहाँ पे उसी को देखने आए हैं। तो आप ये जो पिलर देख रहे हैं, चार पिलर, ये वही हमारा ज़मीन है और उसी में हम तीनों भाई का घर बनेगा। और यहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं, जिन लोगों की ज़मीन है, उन लोगों ने ही इसमें खेती की है। तो ये जो खेती है, ये गोभी है, यहाँ सरसों, गोभी, मटर, धनिया, बहुत तरह की सब्जियों की यहाँ इन लोगों ने खेती की थी। आलू की भी खेती इन लोगों ने की थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं जो हूँ, मेरा जो मायका है बंगाल में पड़ता है और वो एक शहर है, और मैंने ये सब खेती, ये सब पहले देखा नहीं था। तो मुझे ज़मीन में देखने गई थी, उससे ज़्यादा मुझे खुशी इन सारी सब्जियों की खेती को देखकर हो रही थी, क्योंकि मुझे फूल लगाना और ये सारी जो सब्जियां वगैरह लगाना, इन सारे के पौधे जो हैं लगाना, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत ही नया है। वैसे तो मैं गांव वगैरह में आती रहती थी, पर गर्मियों की छुट्टी होती थी तब हम आते थे गाँव पर, तो ये सारे जो फसल हैं उस समय नहीं होते थे, तो मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वैसे सरसों के खेत तो मैंने पहले भी देखे थे। और यहाँ देखिए, आयुष और आदर्श बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे जो है बहुत सारे हम लोगों ने पिक्चर क्लिक किए। वैसे तो मेरा जो गांव है, यानी कि कोई भी शहर होता है वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा होता है, और मेरे जो बाबा, मेरी दादी, मेरे एक चाचा चाची, ये सब गाँव में ही रहते थे। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे खेत हैं, लेकिन हमारा आना जाना यहाँ कम ही होता था, इसलिए मैंने यहाँ ये सब पहले उतना ज़्यादा देखा नहीं था। और मुझे अच्छा लगता है ये सब खेत वगैरह, ये सारे पौधे। और मैं जब भी अपना घर बनाऊँगी, मैं अगर मेरा गार्डन हुआ तो भी, या फिर मैं छत पे ही बहुत सारे फ्लावर और छोटे छोटे जो सब्जियां, ज़रूर इन्हें मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गोभी की खेती की हुई है और इसके नीचे जो है गोभी होता है, और ये है जो आलू का खेती किया हुआ था, और यहाँ जो है ये सरसों का है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। और यहाँ किनारे पर बकला के जो दाल होते हैं वो बोया हुआ था, और यहाँ पे किनारे पे गेहूँ बोया हुआ था, और इसमें धनिया पत्ता और
लहसुन की खेती की हुई थी, पालक की खेती की हुई थी और यहाँ किनारे किनारे मटर का भी पौधा था। ये जो ज़मीन है यहाँ बगल में एक तरफ गांव बसा हुआ है और दूसरी तरफ हाईवे है, तो ये घर बनाने के लिए बहुत परफेक्ट जगह है और हमें काफ़ी पसंद आया। और ये जो औरत है यही बगल की है और इसी का ही ये ज़मीन है जिन लोगों से हम लोगों ने लिया, और इसने फ्रेश धनिया हम लोगों को निकाल के दिया चटनी बनाने के लिए। तो यही खुशखबरी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। और आज का वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।